नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिस्टर वी यूट्यूब चैनल में। और आज के इस कमाल की वीडियो में आपके लिए लेके आया कुछ कमाल की टेक न्यूज। तो मेरा नाम है मानव प्रताप और वी न्यूज देख रहे हैं आप। स्मार्टफोन जो है वो स्पॉट किया गया है गीकबेंच, जो कि एक बेंचमार्किंग वेबसाइट है वहां पर। तो यहां पर जो है ये फोन कुछ आपको शायद मिल सकता है क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 425 प्रोसेसर के साथ, जो कि क्लॉक किया जाता है 1.4 गीगाहर्ट्ज़ पे। 1 GB की रैम होगी इसमें और एंड्रॉइड 8.1 ओरियो आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर बात की जाए इसके बेंचमार्किंग स्कोर्स की, तो यहाँ पर जो सिंगल कोर प्रोसेसर सिंगल कोर वाले जो स्कोर्स थे वो थे यहाँ पर 640। और वही बात करें मल्टी कोर प्रोसेसिंग स्कोर्स की, तो वो थे यहाँ पर 1664। न्यूज आती है वो आती है जियो फोन की तरफ से। यार अगर आपको यहाँ पर बुक करने में दिक्कत हो रही है जियो फोन के, या आपके पास के रिटेलर्स के पास भी ये फोन नहीं मिल रहा है, तो आप जाके अमेजोन से इस फोन को बुक करके और खरीद सकते हैं। और यहाँ पर बताया अमेजोन पे ये फोन अब अवेलेबल है, जिसकी प्राइसिंग है वही है सेम है यार 1500 रुपीज। खरीदिए, और अगर आप इसे अमेजोन पे से पे करके खरीदते हैं तो आपको 50 रुपीज का कैशबैक मिलता है। तो जो अगली नहीं जाते वो आती है हमारे स्टीम की तरफ से। तो आप स्टीम वो है जहाँ से आप गेम्स वगैरह को परचेज करते हैं। तो यहाँ पर जो है स्टीम की ल्यूनार न्यू ईयर सेल 2018 चल रही है, जिसके अंडर आपको काफी अच्छा खासा डिस्काउंट गेम्स पर मिल रहा है। और तो अगर आप सोच रहे थे गेम्स खरीदने के लिए, तो आप ये मौका काफी अच्छा है। तो यहाँ पर कुछ 3 गेम्स हैं जो मैं समझता हूँ आप लोग खरीदने की शायद सोच रहे होंगे। तो यहाँ पर जो है एक है वुल्फेंस्टीन 2, जिसपे 50% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है फिलहाल स्टीम पर, और इसकी प्राइसिंग 50% ऑफ के बाद मिल रही है आपको 1500 रुपीज का। वही अगर हम बात करें विचर 3 वाइल्ड हंट, जो कि गेम ऑफ द ईयर एडिशन है, वो भी इस लिस्ट में है, जिसकी अकॉर्डिंग अगर आपको ये खरीदना है स्टीम से, तो फिलहाल ये आपको मिल जाएगा 399 रुपीज में, और ये 60% डिस्काउंट के साथ आपको मिल रहा है। वहीं यार एक और बहुत ज्यादा मोस्ट पॉपुलर गेम जिसका मैं पर्सनली फैन हूँ, GTA 5, वो भी आपको 50% डिस्काउंट के साथ देखने को मिल रहा है। और अब 50% डिस्काउंट के साथ आप इसे खरीद सकते हैं 1468 रुपए का। थोड़ी जाती वो आती है ट्राई की तरफ से, यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी इंडिया। तो ये जो अथॉरिटी है ये हमें एक बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन देके आज बताया है उसने। तो बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर उसने इन्फॉर्म किया कि दिसंबर 2017 में हमें इंडिया में गिफ्ट किया गया 0.4% इंक्रीमेंट। किस चीज में? तो वो इंक्रीमेंट था यहाँ पर टेलीकॉम सब्सक्रिप्शंस में, यानी टेलीफोन सब्सक्राइबर्स हमारे यहाँ बढ़े हैं, खासतौर पर यहाँ रूरल एरियाज में अच्छे बढ़े। तो ये काफी अच्छी बात है। और बस यार अगली और बड़ी अजीब सी न्यूज आती है वो आती है MTV इंडिया की तरफ से। MTV इंडिया जिसका आप चैनल भी देखते हैं अपने टेलीविजन पे, तो वहाँ पे अगर आप गौर करें तो आपको पता है कि ये एक रियलिटी गेम शो आता है जिसका नाम है यू साइफर। तो ये जो गेम है वो जो शो है रियलिटी शो, वो उसमें ऑनलाइन गेम्स वगैरह खेलते हैं। तो इसने अब क्या किया है MTV इंडिया ने, इसके चलते अब वो यूट्यूब पर सारे टेकन 7 जो गेम है उससे रिलेटेड वीडियोस को कॉपीराइट दे रही है, उन वीडियोस को ब्लॉक किया जा रहा है। और कोई भी स्ट्रीम है, लाइव स्ट्रीम है, या कोई भी वीडियो है, गेम प्ले है, कुछ भी है, सब वो हटा रहा है। अब इसके अंडर उसने कोई इससे रिलेटेड कोई कमेंट नहीं किया है MTV ने, तो इस बारे में कोई ज़्यादा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन भी नहीं। तो अगली जाती वो आती है गूगल पे की तरफ से, जो कि गूगल का जो है पेमेंट एप्लीकेशन। तो इसके अकॉर्डिंग अब आपको एक अच्छा अपडेट मिलता है जो दोनों एंड्रॉइड और iOS के लिए है। तो अपडेट ये है कि आपको अब बहुत सारे फैसिलिटी मिलती है पेमेंट को लेकर। यहाँ पर जो आप इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, लैंडलाइन बिल, अपना पोस्टपेड मोबाइल बिल सभी यहाँ पर जो है पे कर सकते हैं। और यहाँ पर DTH कनेक्शन अगर आपके पास है तो उसका भी पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह होती है जिनका पेमेंट करना होता है, वो भी आप इससे कर सकते हैं। यहाँ मतलब बेसिकली हमारे सभी डेली लाइफ की चीज़ों को यहाँ पर कवर कर लिया गया। बाकी यार क्वेश्चन मेरे माइंड में ये है कि कितने लोग गूगल पे इसको यूज़ करते हैं, आप करते हैं या आपके आसपास कोई करता है, तो बीच में बेशक मुझे दीजिए कमेंट सेक्शन में बताइए। कमेंट वो आती है नोकिया के 7 प्लस को लेकर। तो यहाँ पर जो उसकी एक लाइव इमेज दी हुई जिसको देख के यार मज़ा आ गया, जो कि नोकिया 7 प्लस अगर ये इमेज ऐसी हुई या ये फाइनल मॉडल है इसका, तो डेफिनेटली यार नोकिया 7 प्लस मेरे यार बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, मैं बता नहीं सकता कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर आपको 6 इंचज की कॉर्ड जो है 18:20 एस्पेक्ट रेशियो वाली स्क्रीन आपको देखने को मिलती है यहाँ पर। बस यार 4 GB रैम है इसमें, 64 GB की स्टोरेज है, बाकी ये सब लीक्स हैं यार, इसका कोई कंफर्म डिटेल नहीं है।
अब देखने वाली बात यह है कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2018 में ये मिलेगा हमें देखने को या नहीं। तो फिर अगली न्यूज आती है वो बात है एयरटेल की। दोस्तों एयरटेल जो है अब जियो को पीछे करने की पूरी कोशिश कर रहा है एयरटेल, वोडाफोन, बाकी आइडिया तो पता नहीं, कुछ प्लान्स निकालता ही नहीं है। खैर बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर न्यूज में यहाँ पर एयरटेल ने अपना 9 रुपए का एक रिचार्ज जो है सैशे रिचार्ज वो लॉन्च किया है, जिसके अकॉर्डिंग आपको वैलिडिटी मिलती है 1 दिन की, और उस 1 दिन में आप 100 MB को यूज कर सकते हैं, 100 SMS को पोस्ट में जो है वो यूज कर सकते हैं यहाँ पर, और बाकी जो भी काम होता है रोमिंग वगैरह वो सब फ्री है, कॉलिंग भी आप कर सकते हैं। तो फिर जो अगली जाती है वो आती है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन की तरफ से। यहाँ पर जो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का एक और नया हाई एंड प्रोसेसर जो कि 845 से बेहतर होगा उसके लीक्स निकल गए हैं। तो यहाँ बात कुछ ऐसी है कि जो 855 है डेफिनेटली उसके आगे वाला हाई एंड प्रोसेसर जो होगा वो 855 ही होगा, 35, 45, 55। तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन 855 की बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर लीक्स के अकॉर्डिंग ये प्रोसेसर आपको देखने को मिलने वाला है 7 नैनोमीटर की बिल्ड टेक्नोलॉजी में, यानी यहाँ पर जो प्रोसेसर होगा वो यूज किया जाएगा 7 नैनोमीटर की फैब्रिकेटिंग टेक्नोलॉजी को बनाकर। फ्रेंड्स अगली न्यूज आती है वो आती है चाइनीज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ली इको की तरफ से। तो ली इको का एक नया फोन जो कि है ली इको ली एक्स, शायद उसकी ये कंपनी तैयारी कर रही है। तो यहाँ पर उसकी कुछ इमेजेस नहीं सिर्फ एक इमेज यार लीक हुई है, जिसे देखने के बाद तो यार ये फोन बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये ऐसे जैसा भी बहुत हद तक लग रहा है। लेकिन ये अच्छी बात ये है कि अगर आप गौर से देखें तो पीछे और आगे दोनों ही साइड आपको डुअल रियर कैमरा और डुअल फ्रंट कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है। तो देखने वाली बात ये है यार कितना अच्छा होने वाला है फोन, क्योंकि लुक्स वाइज ये बहुत ज्यादा बेहतरीन लग रहा है। तो फिर यहाँ जो अगली न्यूज आती है वो आती है यार एप्पल की तरफ से। तो बात कुछ ऐसी है कि 2017 के लास्ट 3 महीने यानी लास्ट 4th quarter में अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये 2017 के 3 महीने में अगर जितने भी फोन बेचे गए उनका रेवेन्यू टोटल करने के बाद 51% को एक्चुअली अलग कर दिया जाए तो वो पूरा 51% एप्पल ने एक्वायर किया हुआ था, यानी लास्ट के 3 महीनों में 51% मार्केट शेयर था एप्पल का पूरे स्मार्टफोन सेलिंग रेवेन्यू में। तो यहाँ पर मतलब इससे आप अंदाजा लगा सकते थे एप्पल की कामयाबी कितनी है, आईफोन 10 हो, आईफोन 8 हो, आईफोन 7 हो, कुछ भी हो, मतलब लोग मतलब बहुत बड़े फैन है एप्पल के। तो फ्रेंड यहाँ जो अगली न्यूज आती है वो आती है गूगल की तरफ से। गूगल इमेजेस जब भी आप सर्च करते थे गूगल पे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता था व्यू इमेजेस, अगर आप एक इमेज को देखने के बाद वहाँ पर एक व्यू इमेजेस नाम से एक बटन आता था जिससे कि आप जो उससे रिलेटेड और इमेजेस तक जा सकते थे डायरेक्टली। तो ये कन्वीनियंसी अब आपको खत्म कर दी गई, आपको वो सजेस्टेड या रिलेटेड इमेजेस देखने में थोड़ी डिफिकल्टी होने वाली, क्योंकि यहाँ पर गूगल इमेजेस में फ्यू इमेजेस नाम का बटन जो था वो खत्म कर दिया गया है। फ्रेंड्स ये थे आज के उस कमाल की टेक न्यूज, आई होप आपको इस टेक न्यूज में मजा आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक करें, मेरा कहीं मत जाइएगा प्लीज यार, और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरीके की टेक रिलेटेड वीडियो और टेक न्यूज डेली अपने चैनल पर अपलोड करता हूँ, जिनकी 2 वीडियोस रोज अपलोड होती है, चैनल पर जाके चैनल चेक कर सकते हैं। और अगर कंटेंट पसंद आता है तो बेशक बेझिझक आप चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद बराबर में एक बेल आइकन भी मिलेगा, जिससे हमारे से होगा ये जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और आप उस वीडियो को मिस नहीं करेंगे। डेफिनेटली मैं मिस मत किया करेंगे, क्योंकि अच्छा कंटेंट देता हूँ यार मैं। और बस आज की वीडियो बस इतना ही, मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए।